नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पैन कार्ड पहले से ट्रैक करना आता है तो आप इस वीडियो को आगे ना देखें। इस वीडियो को वही लोग देख सकते हैं जो अभी अभी न्यू पैन कार्ड अप्लाई किए हैं ऑनलाइन या फिर किसी शॉप से। तो अगर आपका पैन कार्ड सक्सेसफुल बन गया है और आपके घर के एड्रेस के लिए वो डिस्पैच हो गया है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हो कि मेरा पैन कार्ड अभी तक कहाँ पर पहुँचा है और मेरे घर के एड्रेस पर कब तक पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड NSDL से बना है तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आना है। इसके बाद से यहाँ से पैन चूज करना है। इसके बाद से 15 डिजिट का अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद से ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो मेरे पैन कार्ड का स्टेटस शो हो गया है कि किस डेट को डिस्पैच किया गया है और किस कोरियर कंपनी के थ्रू डिस्पैच किया गया है, उसका एयर बेल नंबर मुझे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में स्पीड पोस्ट, हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड है किसी प्राइवेट कोरियर कंपनी के थ्रू सेंड किया गया हो तो उसका यहीं पर ईयर बिल नंबर देखने को मिल जाएगा और उसकी साइट का भी लिंक आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आपको इसको कॉपी करना है और उसकी साइट में जाके आपको ट्रैक कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको ट्रैक करके बता देता हूँ कि इसको ट्रैक किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से मैं आ जाता हूँ अपने स्पीड पोस्ट की साइड में। इसके बाद से अपना ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर डालता हूँ, ये वाला नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद से सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे पैन कार्ड का स्टेटस आ चुका है, किस डेट को कब बुक हुआ था और अभी कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में है 11 तारीख को दादर से बुक हुआ था और इसके बाद से 11 तारीख को ही दादर से निकला था और फाइनली 12 तारीख को ये मुंबई पहुंचा था और इसके बाद से 13 तारीख को फाइनली जबलपुर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक मेरे घर के एड्रेस पर नहीं पहुंचा है। हो सकता है एक से दो दिन का टाइम लग सकता है। इसके बाद से मैं इसको ट्रैक करता रहूँगा तो आगे की जो भी डिटेल्स होगी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हो कि अभी कहाँ तक पहुँचा है। और ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्टमैन होता है या फिर कोरियर बॉय होता है, अगर उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपको कॉल कर लेगा। जो भी पैन कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे वो कॉल करके और पूछ लेगा कि आपका एड्रेस कहाँ पर हो या फिर आपका घर कहाँ पर हो। तो आपको उनको सही सही बता के और अपना पैन कार्ड रिसीव कर लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉल नहीं करते हों और डायरेक्ट आपका जो पैन कार्ड है रिटर्न कर देते हैं अगर उनको एड्रेस नहीं मिलता है तो। लेकिन ये गलत है, कम से कम उनको एक से दो बार कॉल तो जरूर करना चाहिए ताकि हमारा पैन कार्ड रिटर्न ना जाने पाए। तो दोस्तों, पोस्टमैन या डिलीवरी बॉय आपको कॉल किया था या फिर नहीं किया था, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना।